पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि उन्हें पूर्ण स्मरण सदैव हम सबको देश व समाज की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना लॉन्च होगी। इसके तहत जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है उन्हें रहने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री बोले, हम राज करने वाली सरकार बदल देंगे, हम जनता की सरकार चलाएंगे, जनता के साथ सरकार चलाएंगे। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अपने भोपाल के कार्यकर्ताओं के बीच एक योजना की घोषणा और कर रहा हूं। देखो, मैं कई जगह जाता हूं, गरीब आदमी मिलता है। अभी मैं दौरे पे गया तो एक बाप के चार बेटे हो गए, चार बहू आ गई, उनके बच्चे हो गए। अब घर में जगह है ही नहीं, उतने घर में बिल्कुल 20-20, 25-25 पड़े। मैं गरीबों की बात कर रहा, कई जगह मुझे लोगों का कहा रहे, जब आवास योजना का मकान तब तक नहीं मिल सकता जब तक फैक्टर ना। इसलिए आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ, योजना बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, जल्द इसको लॉन्च करेंगे और वो योजना होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। पोस्टर में पट्टा लिख सकते हैं अपन, और उसका लक्ष्य ही रहेगा कि हम चिन्हित करके जिन लोगों के पास रहने की भी जगह नहीं है उनको रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएं। शहरों में जहां इतनी जमीन ना मिले वहां मल्टी स्टोरी बन के उसको रहने का आशियाना उपलब्ध कराएं, क्योंकि इस धरती पर अगर वो पैदा हुआ है तो रहने के जमीन का टुकड़ा क्या अधिकारी तो वो है। वैसे भी आजकल अपन जमीनें माफियाओं से छुड़ाई रहे, आज भी अखबार में देखा होगा, अगर इतनी छुड़ाते जा रहे हैं तो गरीबों को दे देंगे यार, तो कौन सी दिक्कत है, ऐसी जमीनें ढूंढेंगे और गरीब को पट्टे देंगे या गरीब को मकान बना के देंगे। हर एक के पास कम से कम इतना तो हो के रहने की जमीन का टुकड़ा उसका, ये दरिद्र नारायण की सेवा है। इस कार्यक्रम को हम लॉन्च करेंगे और सबको रहने की जमीन का टुकड़ा पहले चरण में देंगे। अगर व्यवस्था कहीं खरीद के भी करनी पड़ी तो करेंगे, सरकारी मिली तो सरकारी देंगे, और बाद में फिर प्रोसेस रहेगी कि हम मकान भी बनवा दें। एक बार मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, उनके बताए मार्ग पर चलकर हम जनता के कल्याण के काम सरकार के माध्यम से करते रहेंगे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।